दोस्तों अगर आपके कॉन्टैक्ट नंबर किसी वजह से डिलीट हो जाए या फिर आपका मोबाइल अगर ख़राब हो जाए या फिर किसी वजह से आपकी जो सिम है वो क्रैक्ट हो जाए जिससे कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर सारे ही डिलीट हो जाए, तो फिर आप उन कॉन्टैक्ट नंबर को कैसे वापस ला सकेंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि अपने खोए हुए मोबाइल में या फिर अपने मोबाइल किसी वजह से ख़राब हो जाए या फिर हमारी जो सिम है किसी भी वजह से क्रैक हो जाए तो हम कॉन्टैक्ट नंबर को वापस कैसे ला पाएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप हमारे जो डिलीट कॉन्टैक्ट नंबर है या फिर हमारे पुराने मोबाइल के अंदर जो कॉन्टैक्ट नंबर रह गए हैं उनको हम कैसे वापस ला पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट ऐप के अंदर आ जाना है। ये देखिए इस प्रकार से जो कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखाई देती है वहाँ पर आ जाना है। उसके बाद ये 3 डॉट पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट सेटिंग, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जो नीचे दिखाई दे रहा है कॉपी कॉन्टैक्ट, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो हमारे मोबाइल के अंदर जो भी जीमेल आईडी है उस पर हमें कॉपी कर लेना होगा इन कॉन्टैक्ट नंबर को। तो यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट नंबर को सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉपी पे हमें क्लिक करना है। जैसे हमें कॉपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ जीमेल आईडी इस प्रकार से दिखाई देगी, तो जो भी जीमेल आईडी हमें याद है उस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए जो भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है वो सभी हमारी जीमेल आईडी पर कॉपी हो रहे हैं, यानी कि अब हमें कोई भी टेंशन नहीं है कि हमारा जो मोबाइल है वो गुम हो जाए या फिर हमारी जो सिम है वो करप्ट हो जाए। तो हमें जब भी कॉन्टैक्ट नंबर की आवश्यकता होगी तो किसी भी नए मोबाइल में हमें जीमेल आईडी को लॉगिन करेंगे तो हमारे मोबाइल के अंदर सारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमारे नए मोबाइल में आने लग जाएंगे, यानी कि शो करने लग जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो जीमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट नंबर सेव हुए हैं या नहीं, तो नीचे डिस्प्ले कॉन्टैक्ट पे हमें क्लिक करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो जीमेल आईडी है इस पर देखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर सारे ही सेव हो चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा।